अब आप फोन से फोटो खींचकर नोट के असली या नकली होने का पता लगा पाएंगे। जी हाँ, ये बात जितनी सुनने में आसान लग रही है उतनी ही करने में भी है, और इस काम को करने में आपको मात्र 2 से 3 सेकंड्स का समय लगेगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस साल एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी मदद से आप नोट का फोटो खींचकर ये पता लगा पाएंगे कि वो जो नोट है वो असली नोट है या नकली नोट है। ये ऐप खासकर विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाई जा रही है। भारत में करीब 80 लाख दृष्टिबाधित लोग हैं, जिन्हें रोज़मर्रा के कैश लेन देन में अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नेत्रहीन लोगों के लिए नकदी लेन देन को सफल बनाने के लिए नोटों की पहचान होना ज़रूरी है। वर्तमान की बात करें तो अभी 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट चलन में हैं। इसके अलावा सरकार ने हाल ही में 1 रुपये का नोट भी जारी किया था। RBI के अनुसार अभी 20 रुपये या उससे ऊपर के सभी करेंसी डिनोमिनेशन में इंटेग्लियो प्रिंटिंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मौजूद हैं। इंटेग्लियो प्रिंटिंग एक खास तरह की प्रिंटिंग टेक्निक होती है, जिसमें कि शब्दों को उभार के लिखा जाता है, जिससे कि नेत्रहीन लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। 20 रुपये और उससे ऊपर के सभी नोट में महात्मा गांधी की फ़ोटो, अशोक पिलर, ऊपर लिखा हुआ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की गारंटी सील और गवर्नर नोट, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंटेग्लियो प्रिंटेड होती हैं। लेकिन नकदी के बार बार लेन देन से और यूज़ होने से ये सभी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स घिस जाते हैं, जिससे कि फिर उन्हें पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस ऐप के लॉन्च हो जाने के बाद से विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को तो मदद होगी ही, साथ ही जो आम लोग हैं वो भी फेक करेंसी को ईजीली चेक कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह की एक करेंसी चेकिंग ऐप जो है, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाई गई थी, वो जनवरी 2019 में IIT रोपर ने डेवलप की थी, जिसका नाम रोशनी है। और इस ऐप को आप एंड्रॉइड फोन पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रोशनी नाम की ये ऐप भी कैमरा मैकेनिज्म पर ही काम करती है। आपको बस करना इतना है कि आपको ऐप को ओपन करना है, उसके बाद जो भी आप करेंसी चेक करना चाहते हैं उसको अपने फ़ोन के सामने लाना है और फोटो जो है उसकी क्लिक कर देनी है। अगर वो करेंसी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल होगी और जेन्युइन होगी, तो वो जो ऐप है उसका ऑडियो मैसेज उस करेंसी के नाम से आपको दे देगा। क्योंकि ये ऐप जो है वो RBI रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि आप इस ऐप पर पूरा भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो इंतज़ार कीजिए RBI की ऐप को लॉन्च होने का।